वेलकम टू कंसेस कुकिंग वर्ल्ड। आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन टिक्का पिज्जा, जो कि हम बनाएंगे अवन में, क्योंकि विदाउट अवन हम लोग बना चुके हुए हैं। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो रहे हैं वो देख लेते हैं। मैंने 1/2 kg मैदा ले लिया है, ऑल पर्पज फ्लोर। उसके बाद मेरे पास है शुगर 6 ग्राम, ईस्ट 7 ग्राम, 1 egg, मिल्क है मेरे पास 75 ग्राम, सॉल्ट 4 ग्राम, ऑयल 10 ग्राम, और यह है मेरे पास मिल्क पैक क्रीम 75 ग्राम। तो चलिए इसे रेडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग डो रेडी कर लेते हैं। डो रेडी करने के लिए जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं सब हम लोग मिक्स कर लेंगे। मैंने डाल दिया है ईस्ट पाउडर इसके अंदर, ऐसे ही है मैं इसके अंदर शुगर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें डालकर इसे मिक्स कर लेती हूँ। मिक्सिंग के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दूध, और दूध के साथ ही हम लोग ऐड कर देंगे इसमें मिल्क पैक क्रीम, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम बाद में इसमें ऐड करेंगे मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1 egg, और इसे भी अंदर ही मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारे पास मैदा था मैयर किया हुआ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे हाथों में और इसके साथ इसको गूंदते जाएंगे। एक अच्छी सी आपने डो तैयार करनी है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल डो रेडी हो तो आपने इसको बस छोड़ देना है। इसको मैं करती हूँ रेडी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, डो हमारी हो चुकी है रेडी। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी ताकि ये जो ईस्ट इसके अंदर हमने ऐड की है वो इसको राइज होने में हेल्प करे। चिकन टिक्का रेडी कर लेते हैं। चिकन टिक्का के लिए मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन ले लिया है, और इसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। 1/2 cup है मेरे पास योगर्ट, 1 tablespoon है मेरे पास टिक्का मसाला, 1/2 tablespoon है ब्लैक पेपर, 1/2 teaspoon नमक, 1 tablespoon जीरा पाउडर, और 1/2 tablespoon है मेरे पास चिली फ्लेक्स। तो इस सबको हम मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन क्यूब्स में डाल रही हूँ, और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे योगर्ट, और जो मसाले हैं हमारे पास सारे वो सब इसमें ऐड करते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं, और हमारी ये मैरिनेशन रेडी हो जाएगी चिकन टिक्का की। मिक्स हो रहे हैं सारे मसाले और योगर्ट एंड हमारे बोनलेस चिकन। चाहें तो इसको रेस्ट दे सकते हैं, और अगर नहीं आपके पास टाइम तो आप इसको इसी टाइम ही बना लें। 3-4 tablespoon में ऑयल ऐड कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे साथ सोटे कर लेते हैं। ये देखिए जी, सोटे हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैरिनेट किया हुआ हमारा बोनलेस चिकन जो था जी। तो ये देखिए, अब हम इसे सोटे करेंगे मीडियम फ्लेम पर, और ये देखना, ये बहुत जल्दी हमारा जो चिकन है ना वो फ्राई हो जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि एक तो ये बोनलेस है और ऊपर से ये क्यूब्स की शेप में है, छोटे छोटे क्यूब्स में है, तो इस वजह से इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रख दें ताकि जो हमारा चिकन है वो गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए मैंने कवर रिमूव किया है और ऑलमोस्ट हमारा चिकन गल चुका है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर सोटे करेंगे ताकि जो हमारा ये जो मटेरियल है सारा मैरिनेशन का वो बोटियों के साथ लग जाए। ये देखें जी, चिकन हमारा हो चुका है रेडी पिज्जे का। तो अब हम लोग इसका दूसरा काम कर लेते हैं। टॉपिंग के लिए जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो देख लें आप। मैंने एक शिमला मिर्च ली है और इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, प्याज लिया है, और ये है मेरे पास टमाटर, चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो मैंने स्प्रिंकलिंग के लिए लिया है। उसके बाद पिज्जा सॉस मैंने ली है, आप घर में भी बना सकते हैं। ये है मेरे पास जलेपिनो, और इसके बाद ये है मेरे पास ऑलिव्स।
ये सब कुछ ऑप्शनल है, जिसको जो चीज़ पसंद है वो ऐड कर सकता है। ये देखिए डो हमारी राइस हो चुकी है, इस पर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है और ये है मेरे पास चीज़ जिसको मैंने श्रेड कर लिया है। पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर मैंने ऑयल डाला है और इसको मैं अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दूंगी ऑल साइड्स पर। डो को बेलकर मैंने पिज़्ज़ा ट्रे पर लगा दिया है और साइड्स पर आपने ऐसे अपने थंब की मदद से इसको सेट कर लेना, अपने फोक की हेल्प से इसके अंदर ऐसे कर लेना। अभी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस इसमें यूज होगी 2.5 टेबलस्पून एक पिज़्ज़ा की डो पे, ठीक है जी। इसको आपने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। और इसके ऊपर आपने इस टाइम पे डाल देनी है थोड़ी सी चीज। जो चिकन टिक्का हमने फ्राई किया था वो हम इसमें लगा देंगे इस टाइम पे। जितना चिकन लगाना चाहते हैं उतना लगाएं, नो इश्यू। ज्यादा लगाना चाहते हैं ज्यादा लगाएं, कम लगाना चाहते हैं कम लगाएं। अब मैं इस पे लगा रही हूँ शिमला मिर्च जो हमने कट की हुई थी। आप इसे जैसे मर्जी डेकोरेट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और शिमला मिर्च के बाद मैं इस पे लगाऊंगी टमाटर। अगर आप लोगों को टमाटर नहीं पसंद तो नो इशू, टमाटर छोड़ दें जी। तो ये देखिए मैं टमाटर लगा रही हूँ इसके ऊपर और इसके बाद हम इस पर लगा देंगे प्याज। और प्याज भी उसी तरह सेम, जिसको पसंद है वो लगा ले, जिसको नहीं पसंद वो ना लगाए, या अगर आप चाहते हैं तो हल्का हल्का सा लगा लें। मैं ऐड कर रही हूँ जलेपिनोज एंड ऑलिव्स, जिसको जितने पसंद हैं वो उस हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकता है। हमारे घर में तो ऑलिव सबको ही पसंद हैं, डेट्स वाई मैंने ज़्यादा ऑलिव्स यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर अब हम डाल देंगे चीज़। ज़्यादा सारी चीज़ आप ऐड करें, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ और पिज़्ज़ा चीज़, तीनों को मिक्स करके आप इसके ऊपर ऐड कर दें। अब मैं इस पे डाल रही हूँ ओरिगैनो फॉर टेस्ट एंड चिली फ्लेक्स फॉर टेस्ट। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो डाल दें। ओवन में जाने के लिए रेडी है हमारा पिज़्ज़ा। को प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया है, ये देखें 20 मिनट्स पे लगाया है मैंने। 180 टेम्परेचर है और फैन आपने ऊपर नीचे दोनों साइड से ऑन कर देना है। हम पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए रख देंगे 20 मिनट्स के लिए और 20 मिनट्स बाद हम लोग पिज़्ज़ा को बाहर निकालेंगे और आपके सामने इसकी कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी लास्ट लुक। व्यूवर्स 20 मिनट्स हो चुके हैं और पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे बाहर निकालते हैं। ये देखिए जी रेडी है हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। इसका टेस्ट बिलीव करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है, आप सबने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करके मैं आपको खा कर भी दिखाती हूँ कि ये वाकई ही बहुत डिलीशियस बना है। ये देखिए व्यूवर्स बहुत ही मजे का स्लाइस कट हो चुका है पिज्जे का और अब हम इसे टेस्ट करते हैं। होप आप सबको ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सब इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।